हेलो दोस्तों, मैं सुरेश शेवलिया और स्वागत है आपका एच के इलेक्ट्रिकल चैनल में। आज मैं बताऊंगा आपको एच पी को किलोवाट और किलोवाट को एच में कैसे कन्वर्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और देखते रहिए। ये मैंने आप बता रहा हूँ आपको एक एच पी को किलोवाट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसमें आप देख रहे होंगे एक एच पी बराबर होता है 746 वाट। ठीक है दोस्तों, और इसका फॉर्मूला यही है। इसको किलोवाट में कन्वर्ट करने के 746 में हम 1000 का भाग देंगे, जितना किलो एच पी होगा उसको इंटू कर देंगे 746 में और भाग दें 1000 का। ठीक है दोस्तों, तो मैंने वैसे किया है एक एच पी का आएगा 746.746.746 किलोवाट। ठीक है दोस्तों, यानी 0.75 किलोवाट। देखिए 0.75 किलोवाट, ये इसका किलोवाट आ गया एक एचपी का। ठीक है दोस्तों, आप समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे आप। तो अभी मैं आपको बताऊंगा 2 एचपी का कैसे निकालते हैं किलोवाट। तो चलते हैं, ये 2 एचपी है दोस्तों, 2 एचपी 746 इंटू 2/1000 का हो गया 1.5 किलोवाट। ठीक है दोस्तों, मैं एक से एक एच पी बराबर 746 होता ही है, 746 बटे सॉरी इंटू 2/1000 बराबर हो गया इसका 1.5 किलोवाट। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं किलोवाट को एच पी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। दोस्तों मैं बताऊंगा आपको किलोवाट को एच पी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। ठीक है दोस्तों, वो जो एच पी को हम कन्वर्ट करने एच पी को एच पी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, किलोवाट को 1000 से गुणा करेंगे और 746 का भाग दे देंगे, तो अपने पास में इसका किलोवाट आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, सॉरी एच पी आ जाएगा। तो मैं किलोवाट इंटू 1000/746 कैलकुलेशन करेंगे तो अपने पास में एच पी आ जाएगी दोस्तों। ठीक है, जैसे 10 मैंने 10 किलोवाट का मैं एच पी निकालना चाहता हूँ तो कैसे आएगा, तो मैं क्या करूँगा 10 × 1000 यानी 10000/746। ये एक एच पी बराबर 746 वाट होता है, वहीं 10000 बटे 746 इसका बराबर आएगा 13.40 एच पी। 10 × 1000 = 10000 हो ही गया, 746 उसमें भाग दे देंगे और 13.14 एच पी आया। ठीक है दोस्तों, मैंने वही बता रहा हूँ दोबारा से, किलोवाट था 10, इसको हमने 1000 से गुणा किया और 746 का भाग दे दिया, तो 10000/746 = 13.40 यानी 13.5 एच पी इसका आ गया। 10 किलोवाट की मोटर का 13.5 एचपी होता है। तो मेरे चैनल को लाइक करें दोस्तों, सब्सक्राइब भी कर ले दोस्तों, और बेल आइकन आएगा उसको प्रेस भी कर ले दोस्तों। उससे क्या होगा कि मैं जो भी वीडियो डालूँगा वो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद भी आई होगी और समझ में भी आई होगी। तो इसी साथ थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।